सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अल्फी। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना बैंक्स के लिए बुरा शगुन है, आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ के मुताबिक। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तानी बैंक्स के लिए हालात मनफी करार दे दिए हैं। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बरकरार रहना पाकिस्तान के बैंक्स के लिए मनफी है आलमी रेटिंग एजेंसी। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में कोरोना वायरस से मुतासर कराची की जो शहरी हैं उसकी हालत जो ख़तरे से अब बाहर बताई जा रही है इस पर हम बात करेंगे, और दूसरी जानब महकमे सेहत का के जो हुकाम है उनके मुताबिक जो जो बातें हैं वो भी हम तज़िया लेंगे फातमी साहब से उस मुतालिक कि कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। और अब चलते हैं, रुख करते हैं फातमी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? किस तरह से कहेंगे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहना बैंक्स के लिए बुरा शगुन है आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज के मुताबिक? असल में पिछले हफ्ते जब हम ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद कर रहे थे, और ज़ाहिर ब्लैक लिस्ट का तो हमने सोचा ही नहीं था, तो जब हम ग्रे लिस्ट में रह गए तो हमने यहाँ शादियाने बजाए और खुश हो गए कि ब्लैक में नहीं गए। होता ना कि भाई बच्चा पास नहीं करे कम से कम थर्ड डिवीज़न तो आ जाए ना, तो हम इसी पे खुश थे कि ग्रे लिस्ट में है। और यहाँ काफ़ी बयानात भी, लेकिन कल जुमरात को अचानक तो नहीं, मतलब एक तयशुदा जो मीटिंग में मूडीज़ ने जो रिपोर्ट दी, मूडीज़ दुनिया की तीन बड़ी जो रेटिंग फाइनेंशियल रेटिंग है उस हवाले से बड़ा नाम, बल्कि जब वो अच्छी रिपोर्ट देता है मुल्क के पाकिस्तान के बारे में तो जो भी हुकूमत है उसे स्पेशली कोट करती है कि जनाब मूडीज़ ने कहा, उन्होंने जो बातें की वो ज़रा ख़तरनाक है कि अब ये क्योंकि ये जो है ये ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग कंपनी कहलाती है, जिसकी बुनियाद पे आपको गैर मुल्की बैंक आपसे कारोबार करते हैं, आपको कर्ज़े देते हैं और आपके जो एक्सचेंज है उसको चेक करते रहते हैं। सही, उन्होंने ये कहा कि यूँ तो पाकिस्तान ने पिछली बार इस हद तक मुतमईन कर दिया कि 27 में से 14 नुकात या 14 मुतालबात पूरे कर दिए, 13 बाकी हैं जिसका पाकिस्तान ने यह वादा किया है कि हम जल्द ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से जून तक उनको ये मौका फराहम किया गया कि आप इसको सही किए। आपको लगता है जून तक हम निकल नहीं, मैं तो नहीं समझता कि निकलेंगे अभी। अच्छा, लेकिन बहरहाल इसमें जो दो पॉइंट बहुत अहम है, एक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी ये बा इशू है, और दूसरा है कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी एक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है पैसों का बाहर गैर कानूनी जाना, और दूसरा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि जो आपके दहशतगर्द हैं उनके पैसों की आमद और रफ्त और तरसील, ये दो पॉइंट जिसको वो कहते हैं AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इन दोनों पे मूडीज का कहना ये है कि ये इसमें पाकिस्तान अभी तक मुतमईन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, हम यही समझते थे कि अगर 14 इन्होंने कर लिया तो इसके मतलब बाकी, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि मसला ये नहीं कि 13 और 15 का, मसला ये है कि जिस बुनियाद पे 2018 में इन पे पाबंदी लगाई गई वो मेन वजह यही थी कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और दूसरे ये था कि उन फाइनेंस को किसी न किसी हवाले से मुख्तलिफ मजहबी या इंतहा पसंद जमायतों की फिनांसिंग के लिए इस्तेमाल किया था, ये वजह थी। अच्छा, अब इसमें नुकसान क्या है कि जो ख़ास तौर पे जो बैरूनी ममालिक से गैर मुल्की करेंसी के हवाले से जो कारोबार है उस पर डायरेक्ट, क्योंकि मूडीज जब वहाँ बैंक को ये बताएगी
कि भाई इनका मामला जो है साफ़ सुथरा नहीं है, तो वो फिर आप पे कदगन लगाएंगे, सख्ती करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे पहले भी वार्निंग दे चुके हैं पाकिस्तानी बैंकों को, बल्कि एक दो को ब्लैकलिस्ट भी शायद किया है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी हद तक उनकी ट्रांजैक्शन में पाबंदी भी की है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के, इसमें पूरी हकीकत तो ये है कि अगर इन दोनों में हम कामयाब नहीं होते, जो दो मेन पॉइंट है, तो ये मसला नहीं कि हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे, बल्कि मसला ही कि ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। ग्रे लिस्ट में रहने में तो मेरा आपको क्या इम्कान लगते हैं अपने तजिए तजर्बे की? मेरा अपना ख्याल है कि ये ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे, ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फिर टाइम ले लेंगे। और अभी बहुत सारे इंटरनेशनल मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो 29 को तालिबान और अमरीका के दरमियान मुआहदा होने जा रहा, उसके भी जो असरात मनफी और मस्बत दोनों पाकिस्तान पे पड़ेंगे, उससे भी बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इंडिकेशंस होगी कि बहुत, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है इस मामले में जो आप कि किसी मामले में रोक टोक लगाता है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। अच्छा, बनिस्बत इस वक्त के, इस वक्त के अफसर, जैसा से 27 निकात में से 14 पर हम पूरे उतर चुके हैं, आप क्या समझते हैं क्या वजह रहेगी ये जो 13 मुतालबात बचेंगे हम उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे? 13 में देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि यूँ तो एक एक 13 में जो उनका स्पेसिफाई किया वही जो मैंने अभी आपको बताया AML और CFT वो है। अच्छा, बैन अल-अक़वामी होता क्या है कि देखिए, हमें जो सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से, इसीलिए पड़ती ना, और तो किसी वजह से पड़ती नहीं है। तो अब हम ये करते हैं कि अगर हमने एक्सपोर्ट किया या इम्पोर्ट किया, दोनों सूरतों में हमें डॉलर रकम चाहिए, डॉलर चाहिए ना। अच्छा, तो जब डॉलर की तरसील हमारे लिए बैंक फिनांसिंग प्रॉब्लम कर देती है, तो हमारे डॉलर के सारे कारोबार रुक जाते हैं, जब वो रुक जाते हैं तो फिर हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, ये होता है। ठीक है, अच्छा रह गया सवाल ये जो FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और उसके खिलाफ जो मौसर इकदाम जारी किए हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस तरह का मामला चलता रहा हमारा, तो क्या बैन अल-अक़वामी जो हमारी तिजारत है हम उसमें भी जहर के दुश्वारियों का शिकार हो जाएंगे? दुश्वारी नहीं, उसमें हमारे बैंक सबसे ज्यादा बैंक सफर करेगा, खास तौर पर ये AML और CFT के हवाले से उन पर जुर्माने भी आयद हो सकते हैं, बैंक पे लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है उनका, बहुत सारी, यानी एक मसला नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में, अच्छा एक और बात बताते, देखिए पाकिस्तान में एक और जो दूसरा मसला है जिसकी वजह से वो खामोश है, वो ये कि ख़ास तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक की शेयर सूद जो बढ़ाया है 13.25, उसके बढ़ाने से ऑलरेडी ताजिर चीख ही रहे हैं, उनके खतरनाक नतज तो अपनी जगह, उसकी जगह हॉट मनी के आने जाने पे भी नज़र रखी जा रही है कि है। आपने हेवी फिनांसिंग पे जो हॉट मनी दे रहे हैं लोग, ले रहे हैं और दे रहे हैं, वो किस हवाले से, मतलब क्या है आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हाँ। अच्छा, पाकिस्तान को जो FATF की दी गई जो डेडलाइन है उससे पहले इकदाम उठाते हुए जहर की अमल दरामद करना होगा? बिल्कुल करना, नहीं करेंगे तो आप रह नहीं सकते, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते इसमें। उसकी वजह यह है कि आप का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, आपका पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, आपकी चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी, आपकी पैसे की तरसील रुक जाएगी, आपकी डॉलर की अमाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, एक थोड़ी तो मसला है, बहुत मजीद दुश्वारियों में बहुत मतलब ज़ाहिर है कि शिकार होते चले जाएंगे। अच्छा, वजह देखिए क्या है, हम ये तीन चार तरीके, एक है आज़ाद मुआशी पॉलिसी, दूसरा है कारोबारी मुआशी पॉलिसी, और तीसरा है सरकारी मुआशी पॉलिसी। हमारे यहाँ अभी तक हम वाजे नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी मुआशी पॉलिसी है क्या? तो जब नहीं वाजे कर पा रहे हैं तो हम एक तरफ कहते हैं हमारी बहुत आज़ाद मुआशी पॉलिसी, आज़ाद है ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यानी आज़ाद, अगर आप गौर करें तो मसला पाकिस्तान में सिर्फ एक और चीज़ में इससे ज़रा हट के कर रहा हूँ, मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपके यहाँ बिजली गैस या इन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि मसला ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनकी कीमतें भी आसमान पे चली गई, उससे ऑलरेडी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं हो गई, पूरी हो रही हैं। अच्छा, एक वक्त था जब स्टेट बैंक सरकारी इदारा था और 51% जो शेयर थे उसके सरकारी थे, और ये एक आज़ाद इदारा था,
بھٹو کے قومیانے والی پالیسی نے اسٹیٹ بینک کو نتھی کر دیا فیڈرل بجٹ کے ساتھ. اچھا اب اس وقت سے پھر معین قریشی صاحب جب آئے تو انہوں نے اسے آئی ایم ایف کے ساتھ نتھی کر دیا, اور آج تک اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی ایک گویا سمجھے لانڈی کی طرح ہو گئی, یہ غلام کی طرح ہے, وہ اس کو چلاتے ہیں. اچھا پانچ سال اب پھر یہ ہوا کہ پہلے اسٹیٹ بینک جو ہے پانچ سال کی ایک پالیسی بناتا تھا, اس کی جگہ انہوں نے دو دو تین تین سال کا کر دیا. تو اب اسٹیٹ بینک کے گورنر کی حیثیت صرف ایک پیسوں کی ریل پیل ہے, لیکن وہ آ رہا ڈائریکٹ انڈر فنانس منسٹر. پہلے ایسا نہیں تھا, اسٹیٹ بینک کا گورنر بڑا امپورٹنٹ پوزیشن رکھتا تھا, وہ بھی ختم کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اب گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بے بس ہے آئی ایم ایف کے آگے, تو اس کو آئی ایم ایف کی سننی پڑتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں واضح کوئی آزاد پالیسی بنا نہیں پا رہے ہیں, یہ پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دوسری جانب بات کی جائے گا جیسے جون 2020 تک پاکستان گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق, تو آپ کو کیا؟ نہیں میں نہیں سمجھتا, بالکل میں نہیں سمجھتا, کیونکہ کوئی ہمارے ایسے آثار نہیں ہیں. فاطمی صاحب اس پر ہم تھوڑا سا توقف کیجیے گا, بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ کے درجے کو ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام لائیو وتھ خالد فاطمی. جی ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. فاطمی صاحب جس طرح سے بات ہو رہی تھی یہ منی لانڈرنگ اور دہشت گرد کی جو کے حوالے سے بھی ہم ظاہر ہے کہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں, تو آگے چل کے آپ کو کیا اس کے نتائج؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کی خواہشات اور حقیقت دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. ہماری ظاہر خواہشات ہے کہ وائٹ میں چلے جائیں, مجھے نہیں لگتا کہ جون میں بھی ہم نکل سکیں گے گرے سے. ہاں گرے میں ہم رہیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے منی لانڈرنگ کا, تمام تر اصرار کے باوجود ان کے, اچھا ہوتا یہ کہ ہم لوگ چونکہ ظاہر بہت اوور اسمارٹ ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی گوروں کو کیا پتہ چلے گا, ادھر سے کر دیں گے ادھر سے. اچھا اور دوسری ایک اور چیز آپ سمجھ لیں کہ منی لانڈرنگ ہو یا فائنانسنگ ٹو ٹیررزم, یہ کوئی بھی بڑے اداروں یا حکومت کی بعض وقت مرضی کے بغیر پاسبل نہیں, اور بعض وقت ان کی نااہلی کی وجہ سے پاسبل ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا آپ کہہ سکتے کہ لوگ, دیکھیں ہوتا ہے ہم تو آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ اگر پکڑنا ہوتا ہے تو ایک معمولی سی سڑک پہ واقع سے پکڑ لیتے ہیں وہ, اور نہ پکڑنا ہو تو بڑی بڑی چیزیں, پورا ٹرک نکل جاتا ہے, پورا ٹرین چلی جاتی ہے, پار ہو جاتی. تو اس میں اچھا یہ بات چونکہ ویسٹ کو بھی پتا ہے کہ ایشیائی ممالک اور افریقی ممالک جو ہیں وہ کس طرح کے دو نمبری کے کام کرتے ہیں, اور ان کو یہ بھی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سارے انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہیں ان کے ہاں سارے جرائم کی پشت پناہی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مجبوراً یا شوقیہ حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہم مستقل اصرار کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے قوم میں بڑی خوشی کی لہر تھی کہ اب ہم نکل جائیں گے گرے سے, ہم نے شاید مہینے بھر پہلے کیا تھا پروگرام, ہم نے کہا تھا نہیں ہم نہیں نکلیں گے, ہاں لیکن لوگوں کا اصرار تھا بڑے بڑے جو. ٹھیک ہے, تو اب بھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر, انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے جو پاکستان کا گرے لسٹ میں رہنا بینکس کے لیے برا شگن ہے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق, تو آپ کے خیال میں ان کی اس رپورٹ سے آپ کیا اخذ کیا جا سکتا ہے, آخر یہ کیا بتا رہی ہیں برا شگن؟ جی بات یہ تھی کہ پاکستان پہلے بھی کئی برس تک 2010 میں گرے لسٹ میں تھا, جی ابھی بھی 1.5 سال سے ہے, تو تھوڑا بہت بینکوں کے لیے پرابلم ہوتی ہیں, لیکن اس طرح کی بات جو انہوں نے کر دی ہے, پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے کوئی چھوٹا بینکنگ سیکٹر نہیں ہے. صحیح. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 19,682 ارب کے ان کے اسٹس ہیں 2018 میں, اور ان کا اپنا کیپٹل 1,406 بلین ہے, ان کا پروفٹ ایک سال کا 2018 میں تھا پری ٹیکس 243 بلین. تو یہ جو چھوٹا موٹا معمولی جھٹکا لگتا ہے, ان کی کاسٹ آف آپریشن تھوڑی بڑھ جاتی ہے, کچھ ٹرانزیکشن تھوڑی ہی سست ہو جاتی ہیں, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ بڑا ان کے اوپر مصیبت آ جائے گی. پہلے بھی آپ انہوں نے سنبھالا ہے, آئندہ بھی سنبھالیں گے.
بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ ابھی 2017 میں ہماری حبیب بینک کے اوپر جو ہے 225 ملین ڈالر کا فائن ہوا, انہوں نے پے کر دیا, ہم نے بینک نے بھی جھٹکا سنبھال لیا, بینکنگ سیکٹر نے بھی سنبھال لیا. اس کے بعد اس سال ہم نے ان کی آپریشن بھی بند کر دیا امریکہ میں, حبیب بینک نے, یونائٹڈ بینک نے بھی اپنی آپریشن امریکہ میں کم کر دی ہے. تو یہ جھٹکے تو ہم سنبھال سکتے ہیں, تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کوئی اچھی چیز ہے گرے لسٹ میں, لیکن اب انہوں نے ہمیں ڈالا ہے تو ہم اتنے بھی گئے گزرے ملک نہیں ہے, بڑا ملک ہے, بڑا بینکنگ سیکٹر ہے, تو میں اس کو کوئی نیک شگون اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن اتنی کوئی پریشانی کی بات بھی میرے خیال سے نہیں. ٹھیک ہے, دوسرے جانب ڈاکٹر صاحب, 27 نکات میں سے 14 نکات پر ہم پورے اتر چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 13 مطالبات ہیں تو کیا ہم آنے والے ماہ میں اسے پورا نہیں کر پائیں گے, اور کیا جون میں ہم گرے لسٹ سے نکل پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے کہ جب اکتوبر میں یہ معاملہ آیا تھا, اکتوبر 2019 میں, تو پاکستان نے تو یہی درخواست ان سے کی تھی کہ آپ ہمیں جون 2020 تک کا ٹائم دیں, لیکن انہوں نے جون 2020 کے بجائے فروری 2020 دیا. اس میں ہم کچھ کر پائے, جیسے آپ نے بتایا 13 آئٹمس جو ہیں اس پر رہ گئے ابھی. جی ہاں جی ہاں, تو ہم نے تو جون تک کا ہی ٹائم مانگا تھا, اب جون تک مل گیا. اب اس کا قطعی کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس میں سستی دکھائیں اور ایک اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں, کیونکہ اب ہم کوئی بڑا جھٹکا دوسرا برداشت نہیں کر سکتے. بالکل, الا یہ کہ امریکہ سے آج کل بہت زیادہ اچھے ہمارے تعلقات چل رہے ہیں صحیح کی وجہ سے, اور ان کا بہت فیوریبل رویہ ہے, لیکن ابھی جون تو بہت دور ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ ابھی اسٹیٹ بینک کو اور ہمارے دوسرے اداروں کو اور وزارت خزانہ کو ہر حالت میں ان کے جو 13 پوائنٹس ہیں اس پر نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر تیزی سے قانون سازی ہو جائے, بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے, اور اس طرح سے عمل درآمد ہو کہ ان کو موقع اب نہ ملے کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ سخت اقدام اٹھانے کا سوچیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر اسی طرح سے معاملہ یہ چلتا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی جو تجارت ہے اس میں ہم دشواریوں کا شکار نہیں ہو جائیں گے, مطلب اس طرح سے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ ہمارے منسٹر صاحب جو تھے انہوں نے یہ پوری میٹنگ اٹینڈ کی ہے پیرس جا کر, ان کو پتا تھا کہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کا کیا موڈ ہے اور کیا سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. تو میں تو یہ آپ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمارے پاس یہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ ہم ان پر مکمل عمل درآمد نہ کریں, چاہے ہمارے کتنے ہی نقصانات ہوں, ہمیں ہر حالت میں ہی کرنا ہے. اب ہم یہ رسک نہیں لے سکتے, کیونکہ اب اس ایکسٹینشن کے بعد اگلا ایکسٹینشن تو بہت مشکل ہوگا, لیکن پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک بڑا ملک ہے, دنیا کا یہاں بہت انویسٹمنٹ ہے, تو بہتر یہی ہوگا کہ حکومت اب پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمارے ادارے کوئی موقع نہ دیں, اور جس طرح بھی ہو ہم نے جیسے وعدہ کیا دنیا کے سامنے, اب اس کو جون سے پہلے ان پر قانون سازی فوری طور پہ کریں, اور اس کے بعد مکمل عمل درآمد کی رپورٹ دیں تاکہ وہ مطمئن ہو سکے, کوئی اور آپشن نہیں ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم, خواجہ فاطمی عرض کر رہا ہوں. سر جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا انہوں نے جو 2 میجر پوائنٹ انہوں نے کہا کہ آپ نے کام تو بہت کیا لیکن 2 اہم نکات پہ ابھی تک مطمئن نہیں کر سکے, ایک ML اینٹی منی لانڈرنگ اور دوسرا CFT کمبیٹنگ فائنانسنگ آف ٹیررزم, یہ 2 حوالے سے, اور تیسری بات یہ کہ جو ہاٹ منی ہے اس کے آنے جانے سے بھی جو آپ کا اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے اس سے جو افیکٹ پڑ سکتا ہے, ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہم یہ دونوں جو ان کے نکات ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کر لیں گے اور اپنے فائنانسنگ کو بھی کنٹرول کر لیں گے, ایسا لگتا ہے؟ آخر میں آپ کی آواز ہلکی ہو گئی جناب. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک کی شرح سود بڑھائی ہے انہوں نے 13.25, اس سے پہلے ہی تاجر حضرات چیخ رہے ہیں, اور اس کے خطرناک نتائج جو ہے ہاٹ منی کے آنے جانے سے جو نظر آ رہے ہیں, اگر ہاٹ منی اچانک نکال لی گئی تو اسٹیٹ بینک کی کیا پوزیشن ہوگی اور ہم کیسے افراط زر کو روک سکیں گے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, کیونکہ اب اس وقت ایک بات یہ ہے کہ قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $50 پر آ گئی ہیں, تو یہ ایک بڑا زبردست کمی ہوئی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ حکومت اس کا پورا فائدہ عوام کو منتقل نہیں کرے گی, اور اس کو جو ہے وہ جو مراعات ہم دے رہے ہیں طاقتور طبقوں کو اور برآمدات کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ IMF بھی جو ہے ہمیں کوئی بریدنگ اسپیس دینے پر تیار نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جی انہوں نے رپورٹ دے دی ہے, تو یہ کچھ کمفرٹ زون میں ہمیں ڈالا ہے,
तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स हमारी पोस्टपोन हो गई हैं, हमें एक मोहलत मिल गई है। ये समझना कि इससे जो है हालात में कोई मुस्बित पायदार बेहतरी आएगी, ये एक बड़ा कौमी अलमिया एक बहुत बड़ी गलती होगी। कुदरत ने हमें एक मौका दे दिया है कि हमने इस दौरान में सही काम नहीं किया पिछले 1.5 वर्षों में, लेकिन अब तेल की कीमतों में कमी होने से कंजम्पशन भी कम हुई है, तो ये एक हमें एक मौका मिलता है। अब ये देखना है कि हुकूमत इस मोहलत को और इस मौके को किस दानिशमंदी से इस्तेमाल करके अपनी मईशत को सही रुख पर डालने की तरफ डालती है, वरना खुदा न खास्ता इतने मसाइल बढ़ जाएंगे जिनका सोच के भी खौफ आता है। अजय, एक और बात है कि स्टेट बैंक हमारे यहाँ जो पाकिस्तान बना उसके बाद से ये एक इंडिपेंडेंट इदारा था और सरकार का इसमें 51% शेयर्स होते थे। उसके बाद भुट्टो साहब के कौमियाने के बाद स्टेट बैंक को नत्थी कर दिया गया फेडरल बजट से। अच्छा, और फिर जब मोइन कुरैशी साहब आए तो उन्होंने इसको नत्थी कर दिया IMF से। तो अब अच्छा, गवर्नर स्टेट बैंक की भी जो 5 साल के टर्म थे उसको ख़त्म करके 2 से 3 साल कर दिया, प्लस स्टेट बैंक के गवर्नर की जो इंडिपेंडेंट पोजीशन थी वो भी काफ़ी हद तक कम करके फिनांस मिनिस्टर के अंडर में कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम तब्दीलियों से स्टेट बैंक की अपनी कारकर्दगी पे बुरा असर पड़ा हो या बैंकिंग के हवाले से पाकिस्तान को कोई नुकसान या फ़ायदा पहुंच रहा हो? देखिए, बड़े आम नुकात आपने उठाए हैं। बुनियादी बात यह हुई कि आपने देखा कि जिस वक्त हमारा ख़ासतौर से 2002 और 2005 में हमने अपनी बड़ी बैंकें भी गैर मुल्कियों के हवाले कर दी और उसके बाद एक कार्टल बन गया और स्टेट बैंक जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया क्योंकि बैंकों का एक कार्टल बन गया था। और तो ये एक बड़ी एक झटका लगा था क्योंकि आपको पता है कि कायदे आज़म के ज़माने में तो उन्होंने ये कहा था कि स्टेट बैंक हमारी जो है मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत होगा। तो पहले तो उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी जो है IMF को तो सरेंडर की हुई थी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी कर दी और हमारे डॉक्टर साहब उसको कंट्रोल करते रहे रेट को, हालांकि उनका था। उसके बाद इन बैंकों ने भी जो है वो कार्टल बना लिया और वो गनमानी करते रहे। अब एक सूरत हाल ये आ गई कि वहाँ तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों जो है वो IMF से आए हैं और उन्होंने जो है वो मुजाकरात भी किए थे और वजारत खजाना में भी जो थे वो IMF के एक रिटायर्ड मुलाजिम थे। तो अब इस तरीके से अल्टीमेटली होता ही जा रहा है कि इसकी कारकर्दगी इतनी मायूसकुन है कि बहुत से मामला जो बड़े बड़े मुकदमात चल रहे हैं उसमें जिम्मेदारी IMF के ऊपर भी आती है, सॉरी स्टेट बैंक में आती है, लेकिन स्टेट बैंक उन कम्युनिटियों में शामिल होता है जिसके लिए सिफारिशात बनाई जाती हैं। हालांकि ख़राबी यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, बहुत से ऐसे मौके आए हैं, लेकिन स्टेट बैंक की कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई और कि वो क्या कर रहा है, बैंकों में क्या फ्रॉड्स हुए जो उसने दबा दिए, रुपये की कदर किस तरह से गिराई गई और दूसरी चीज़ें हुई, बड़े पैमाने पर कर्जे हुए माफ़ किए गए, गैर कानूनी सर्कुलर इशू किए गए, फ्लाइट ऑफ कैपिटल में स्टेट बैंक का किरदार रहा इनक्रेज करने का। तो बदकिस्मती से ये है कि अब स्टेट बैंक भी ऐसा लग रहा है इस वक्त तो हमारे हाथ से निकल गया हुकूमत की और वो अपने खुद फैसले कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम के लिए, पाकिस्तान में बचतों के लिए, पाकिस्तान में फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी कौमी मुफादात के बनाने के लिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से तो ये खतरात की जद में है इस वक्त। अच्छा, एक और सवाल ये कि पाकिस्तान में हम कहते हैं हुकूमत कहती आज़ाद मुआशी पॉलिसी है, कुछ कहते हैं ये कारोबारी मुआशी पॉलिसी है, कुछ ये कहते हैं कि ये सरकारी पॉलिसी है। तो सही मानों में अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी का यानी क्या इसका लुब लुबाब क्या है या किस तरह ये रन करती है पाकिस्तान में मुआशी पॉलिसी? मैं तो अब समझता ये हूँ कि हमारी जो इस वक्त मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो 2-3 चीज़ों के गिर्द घूम रही हैं। नंबर एक तो ये कि वो पॉलिसी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए जिससे कि हमें IMF से कर्जा मिलता रहे और IMF से कर्जा मिलने के साथ ही दूसरे आलमी मालियाती इदारों से और मगरबी मालिक से भी हमें पैसा मिलता रहे। एक दूसरा ये था कि जो ताकतवर तबके हैं टैक्स चोरी करने वाले हैं उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाएँ ताकि हुकूमत को कोई ख़तरा ना हो, क्योंकि जो ताकतवर तबके पार्लियामेंट में बैठे हैं वो और उनके जो सपोर्टर्स हैं मुल्क में जो कौमी दौलत लूटते रहे हैं टैक्स चोरी करते रहे उनके मफादत में पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, चाहे वो बरामदात के लिए हों, चाहे वो अप्तिमा के हों, चाहे जो है वो आप ये देखें कि उन्होंने इस तरह से एमनेस्टी स्कीमें लाए और उसके बाद जो है कोई एक्शन नहीं हुआ, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि इनको नवाजना ताकतवर तबकों को बाहर से कर्जे लेना और अपने इख्तदार को तूल देना, इसके ऊपर हमारी मआशी पॉलिसियाँ जो है चल रही हैं। यही वजह है कि हम खत्ते के ममालिक से पीछे हैं
और कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं, अफरातर हमारा बढ़ रहा है, शरह नमो हमारी सुस्त है, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही, रुपए की कदर स्टेबल कुछ अर्से के लिए है लेकिन ये फिर गिरेगी। जैसे आपने हॉट मनी की बात की तो 3 अरब डॉलर तो निकलना तो है जून से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद जब रुपए की कदर गिरेगी उससे पहले वो पैसा निकाल लेंगे। स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है, किसी जमाने में 53,000 पर था, अब वो 37,000-38,000 पर आ गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक दफ़े संजीदगी से हकूमत को और इदारों को बैठ के करने की ज़रूरत है। ये अच्छा किया कि आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें, मगर ये कि अगर हकूमत को पता तो है लेकिन इन चीज़ों को ज़रा संजीदगी से लें, क्योंकि इसके बहुत संगीन नसाइल नतज होंगे मीशत के लिए, गुर्बत के लिए, आम आदमी के लिए और पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, ज़ाहिर है जून में अब आप रह गए, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने रह गए, 3.5-4 महीने, जिस आप समझते हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, आपकी जो मुआशी पूरी स्टडी है पाकिस्तान के हवाले से, आपने अभी खुद ही कहा कि इन्होंने शुरू ही में जून मांगा था जो उन्होंने ज़ाहिर ब्रेक करके दिया, तो आप समझते हैं कि जून में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, ग्रे लिस्ट में रहेगा या ब्लैक लिस्ट में? 3 बातें हो सकती हैं, या तो निकल जाएगा या इसी में रहेगा या फेल हो जाएगा, आप कहाँ देखते हैं इसको? देखिए, ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया है। ये बात तो वाजह है कि अब हम कोई और जो है चांस नहीं ले सकते। जैसे कि इससे पहले तो आपको याद होगा कि जब अक्टूबर के बाद बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि हमें ग्रे लिस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अब चूंकि ये 2 दफे एक्सटेंड हो चुका है और उनकी लैंग्वेज खासी सख्त और हार्श है, और हमारे मुल्क हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी बहरहाल एक उसूल की बुनियाद पर हमें शायद बहुत ज़्यादा मदद ना कर सकें, तो अब तो आज की तारीख में तो हमें ये समझना होगा कि अब हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है सिवाय इसके कि हम उनकी शराइत पर अमल दरामद करके ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएं। क्योंकि खुदा न खासा ब्लैक लिस्ट में आने का मतलब ये है कि उसकी जो तबाही और बर्बादी होगी उसका तो सोच के ये आदमी की रूह कांप जाती है, वो तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अभी फैसला हुआ है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो अभी हमें ये देखना है कि हुकूमत किस तेज रफ्तारी से, किस संजीदगी से कानून साजी करके अमल दरामद करती है, तो उस पर इस वक्त तो कहना मुश्किल है। मगर ये मैं सिर्फ कहूंगा कि ये ऑप्शन है ही नहीं कि अब हम इन शराइत पर पूरे ना उतरें, ये बड़ा तबाहकुन होगा अगर इसमें हुकूमत ने कोई लैप्स किया। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है नाज़रीन एक और ब्रेक का, देखते रहिए प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फाज़िल साहब, बाकी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था हमारे प्रोग्राम का, वो हमने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना जो बैंक्स के लिए बुरा शगुन तसव्वुर किया जा रहा है बकौल आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के, तो उस पर हमने डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने इतना मुफस्सल बता दिया कि मैं नहीं समझती कि इसमें मज़ीद किसी एडिशन की ज़रूरत होगी। अब हम आ जाते हैं फाज़िल साहब कोरोना वायरस की जान, ब्लैक लिस्ट हो गया बिल्कुल, मतलब वैसे ही इतने हमारे पास मसाइल हैं, उनका अंबार है, ऊपर से हम मजीद खतरे जो हैं वो किस तरह से निमटा जाएंगे, किस तरह से निमर्द आजमा होंगे? ये जो कोरोना वायरस से मुतासरा कराची के शहरी की हालत खुदा का शुक्र है कि अब खतरे से बाहर है, लेकिन हम ये सुन के खतरे में आ गए। ठीक है कि ये जो फैल रहा है, आप समझ लें कि ये तमाम वबाई बीमारी जो है उसकी मुद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती, सही, हवा के दोष पे आती, हवा के दोष पे चली जाती, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये वायरस आपको पता वुहान शहर से है, चीन से आया है और अब आधी दुनिया में कहते हैं फैल गया। इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल, हो सकता गलत हो, कि इसमें बीमारी से ज़्यादा सियासत इन्वॉल्व रही है और इस की प्रोपेगेशन यानी इसकी एक इश्तहार और इसको लेके उछालने वाली जो कैफियत है, ज़ाहिर है यूरोप और जब मगरिब ने इसको उछाला है तो ज़ाहिर है हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं। आम ख्याल ये है कि कोरोना वायरस सही मानों में जिस्म में कुव्वत मुदाफियत की कमी से आपके लंग्स अफेक्टेड होते हैं और वो इतनी आहिस्तगी से होते हैं। अच्छा, उसमें जो सिम्टम है कोरोना के, वो सिम्टम कराची में पूरे 2 करोड़ लोगों को रोज़ाना है, मतलब हल्की सांस में दुश्वारी होती है, खांस रहे होते हैं,
छींक आ रही होती है या बदन में दर्द होता है, ठीक है, लेकिन ये जो बकौल डॉक्टर जफर मिर्जा हैं उन्होंने कहा कि भाई इसका जो मतलब तशखीस है ना वो 14 दिन बाद होती है। यही तो मैं कह रहा हूँ नहीं, और जो और जिसको 14 दिन से ही हो कराची में तो फिर आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं साहब इसमें ख्याल रखिएगा आपको जुकाम बहुत होगा, अच्छा वो कह रहे हैं साहब ये तो रेगुलर है, तो इसमें सही मानों में इसमें इतना ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद होगा डेंगू के हवाले से एहतियाती तदाबीर करने की जरूरत है। अच्छा एहतियाती भी आप क्या करेंगे, देखिए मुश्किल क्या है, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठ रही हैं तो आपके साथ 50 आदमी और हैं मुख्तलिफ अक्साम के, इसी तरह आप रिक्शे पे बैठ रही तो रिक्शे ड्राइवर से नहीं कह सकती कि भाई तू चेहरा किसी और तरफ करके चला, नहीं कर सकती ना। टैक्सी पे बैठ कहना बड़ा आसान है क्योंकि ये पूरे इन्वायरमेंट की तब्दीली का मामला है, शख्सी तौर पे नहीं है, नहीं है। लेकिन फातिमा साहब रहा सवाल एहतियाती तदाबीर का, तो एक रहा सा मास्क होता था, ठीक है, जो था मैं इसलिए था के सेगे में इसलिए चली गई हूँ कि वो नापैद हो रहा है, क्योंकि जाहिर है जिसकी अशद जरूरत है वो गायब है मतलब, और अगर है भी तो वो सोने के भाव मतलब मिल रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर मास्क महंगे हो तो कागज से भी मास्क बनाए जा सकते हैं। असल में वो तो मतलब कुछ बात ही नहीं कि ये वो लोग हैं जो शीशे के घर में बैठे हुए सारे लोगों से कह रहे हैं कि भाई पत्थर से क्या डरना है, शीशा हटा दिया पत्थर नहीं लगेगा आपको। बात यह है कहने की हद तक तो बहुत अच्छा है, मैं क्या कहूँ, सदर मुमलिकत हैं आप कुछ कह भी नहीं सकते, आप पे कानून लागू हो जाएगा। नहायत अहमकाना गुफ्तगु है, कागज़ से आप बनाए दो मिनट में फट के ख़त्म हो जाएगा। वो जो पेपर से भी बनता है, चूँकि वो डेंटिस्ट है ना तो इसी हवाले से उन्होंने कहा पेपर से बाहर की दुनिया में बनता है, लेकिन वो पेपर होता है जिसे जैसे किचन टॉवल भी आता है अमेरिका में जो आप भीग जाने के बाद हल्का सा धो के फिर लटका देते, होता पेपर ही है लेकिन उसमें कॉटन मिक्स। अच्छा ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तरफ तो ये इस्लाम का कला है, दूसरी तरफ ये फलाही रियासत बना रहे हैं, तीसरी तरफ रियासत मदीना है, और चौथी तरफ आम जिंदगी में लोगों का हाल ये है कि इस मजबूरी में बजाय फ़ायदा पहुंचाने के मास्क गायब किया हुआ सारे शहर से, जिस जगह जाइए कहता मेरे पास नहीं है, अजय किसी सफारिश से पता चल। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं, ये जो दो बंदे आए हैं जिनको उन्होंने कहा कि फारिग कर दे गया, फारिग कर ही नहीं सकते आप उनको एक दिन के अंदर, इसके मतलब उन्हें नहीं है। एक और रिपोर्ट आई है मेरे पास खतरनाक कि इस्लामाबाद के बारे में तो मैं नहीं जानता, कराची के बारे में आया कि जो बेचारे ज़रा कम पढ़े लिखे लोग हैं आए उन्हें पकड़ लेते, कह लें साहब 10,000 रुपये लाइए वरना हम कोरोना में भेज रहे हैं आपको टेस्ट कराने के लिए, तो ये भी धंधा शुरू किया हुआ है लोगों ने। इस वजह से हो सकता है इन दोनों को जो पकड़ा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही है, डॉक्टर वो जो हेल्थ मिनिस्टर साहब डॉक्टर से उनकी बात छोड़ दें, वो तो कमरे में बैठे कागजी तैयारी कर रहे हैं, उनको उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि कोरोना वायरस कहाँ से आया कैसे आया। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ डॉक्टर साहब जफर साहब के बारे में कह सकता है कि उनको कोरोना के बारे में अभी पाकिस्तान की कोई तारीख ही नहीं पता होगी, बस कमरे में जो सिक्रेटरी दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर तो परसों पकड़े गए आज छोड़ दिए गए नहीं पॉसिबल है, कम से कम 20 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता, 25 दिन, इसके मतलब उन्हें नहीं था, उनका बयान भी शायद आया कि नहीं था जब। अच्छा एयरपोर्ट पर यह आम है जो आया कहना साहब 5,000 या कोरोना, अब आपके पास चारा है, उन्होंने कहा साहब 5,000 पकड़े कोरोना से जान चुके। एक दूसरी बात यह है कि देखिए बड़ी आसान चीज़ है, मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाई हैं। हर शहर में जब वबा आती है तो खैर दुआएं हैं ये मौजूद, हर मकतब फ़िक्र की जो अपनी अल्लाह से दुआ है मांगती रहती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किसी ने मुझे भेजा, मैं बता, उन्होंने कहा कि रोज़ाना आप एक प्याज खा लें महफूज रहेंगे। अच्छा इसमें भी गुंजाइश है क्योंकि प्याज के बारे में मशहूर है कि बहुत ही मुदाफियत के लिए बड़ी पावरफुल चीज़ है। इसी तरह बाद लोगों ने यह भेजा है कि जनाब सुबह और रात दो बार आप चेक कर लें, सांस रोक के अगर एक मिनट तक सांस रोके रखें और आपको खांसी ना आए या आपके चेस्ट में तकलीफ नहीं तो आप महफूज हैं। अच्छा तो ये सारी चीज़ें आप करते रहे, बाकी मास्क लगाए ना लगाए, सवाल इस कराची शहर में धुआं धक्कड़ कचरा गंदगी गलाजत, मास्क क्या करेगा भाई, लोहे का मास्क लगाए आप, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, पानी जुबान खुश्क नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने लोग अभी तक चीन में या ईरान में जिनकी डेथ हुई है वो सब वो लोग हैं जो ज़ईफ हैं, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत उनमें कम है, जिनमें रेजिस्टेंस पावर है वो लड़के ख़त्म हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। आपको याद होगा डेंगू के हवाले से कितना शोर हुआ,
इलाज आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, आहिस्ता 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 लोगों ने कहा कि भाई इसका इलाज ही है कि रिलैक्स करें, सोते रहें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, जूस ज्यादा से। तो आपके ख्याल में बीमारी तो जहर इटसेल्फ है ही है खतरनाक, लेकिन आपके ख्याल में कि उसको ज्यादा उसको फैलाया जा रहा है, खास उसको मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, खास मकसद के तहत किया गया, इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। और अब आप देखिए ना, दहशत का ये आलम के ईरान ज़ायरीन को रोक दिया गया, वहाँ उमरा जाने से रोक दिया गया, तो आप देखें कि पूरी, अगर आप कभी चीन को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में एशिया और फार ईस्ट एशिया और एशिया और साउथ एशिया है, इस पूरे इलाके को एक दूसरे की आमद और रफ से, कारोबार से, ट्रांजेक्शन से, हर चीज़ ब्लॉक कर दिया ना आपने, तो मकसद तो, अगर आपका कोई मकसद तो हल हो गया, यानी अब सवाल है डेंगू में क्यों नहीं रोक देते थे आप। लेकिन ये फातिमा साहब, जिस तरह से जाहिर है कि चीन में इतने केसेस रजिस्टर हुए हैं, तो जाहिर है बीमारी तो देखिए इसलिए रजिस्टर, एक तो उनकी 1 अरब की आबादी है, फॉरन एक से दूसरे में गुर्बत बहुत ज्यादा है, फैमिली बहुत कम है, तो फैला, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी तादाद भी कम होती जा रही है और लोग फारिग होते जा रहे हैं। आपको पता है 24 घंटे में के दौरान मतलब 1000 के करीब केस चाइना में रजिस्टर हुए और फारिग कर दिया, लेकिन असल में है क्या, देखिए क्योंकि चीन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल, तो चीनी ये कर रहे हैं कि स्पेशल प्रिकॉशनरी यानी बचने के लिए वो जरा सा भी शुभे पे, अच्छा वो उनका मुल्क जाहिर उस तरह का मुल्क है, पकड़ के जाके जबरदस्ती भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, दोस्तों को, दुश्मनों को, सबको महफूज रखे किसी भी वबा से, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उसको पैनिक फैलाया जाए कि मास्क 200 रुपए का आप बेचने लगे, शर्म से डूब मरने के, मैं तो ये कह रहा हूँ, हुकूमत कह रही कि जी हम छापे मारेंगे, बकवास, झूठ बोल रही है हुकूमत, को सब पता, तस्वीरें आ रही है सोशल मीडिया में, देख रही थी साहब थे मास्क फ्री दे रहे थे लोगों को सिग्नल पे, मैंने मैंने देखा कुछ लोग दे रहे हैं, मैंने कहा इसका मतलब इंसानियत अभी मौजूद है बेशक, लेकिन दुकानदारों की जहां तक बात कर रहा हूं, लाहौर में और तमाम आ रहा है सोशल मीडिया पे, शटर गिरा दिया उन्होंने, कहा जी हमारे पास नहीं है, बैकडोर से बेच रहे हैं, तो भाई जरूरत इस बात की और डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, हमारी हिफाजत करने वाला है। अच्छा हमारा तो ईमान है तमाम तर बातों के बावजूद कि हमारी तमाम सांसें मुकर्रर होती हैं, तो अगर वायरस से आपको लपटना तो लपट जाएंगे, नहीं लपटना ना, हाँ प्रिकॉशन पूरा, एहतियात पूरी हो, एहतियात हर बात के लिए शर्त अच्छा, और एहतियात के लिए कि हमारा तो काम बाद में, पहले हुकूमत सड़कें साफ कर दे, नाले साफ कर दे, मुआशरा साफ कर दे, धुआं धक्का खत्म हो। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया खालिद फातमी साहब आपका, नाजरीन आपका, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, जब तक आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रुबीना अलवी और खालिद फातमी साहब को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।